पीएम मोदी रात 8 बजे करेंगे देश को संबोधित, देंगे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी का जवाब। एक तरफा फैसलों पर पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश, कहा जम्मू कश्मीर से 370 हटाना पूरी तरह है भारत का अंदरूनी मामला, दुनिया को गलत तस्वीर ना दिखाए पाकिस्तान। आतंकवाद पर पाकिस्तान को फिर अमेरिकी फटकार, एलओसी पर आतंकी घुसपैठ रोके पाकिस्तान, दहशतगर्दों पर करे कार्रवाई। तोड़े कारोबारी रिश्ते, भारतीय उच्चायुक्त को देश छोड़ने को कहा, अपने राजनयिक भी वापस बुलाए, एयर स्पेस में भी आंशिक पाबंदी। घाटी से 370 हटने के बाद बड़े आतंकी हमले की फिराक में जैश ए मोहम्मद, सेना पुलिस और सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश, दिल्ली पंजाब राजस्थान सहित कई राज्यों को अलर्ट जारी। कांग्रेस नेता डॉक्टर कर्ण सिंह ने जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले को बताया सकारात्मक, वो इस फैसले का आंख मूंद कर विरोध करने वालों को समर्थन नहीं देते। 370 पर फिर सामने आया कांग्रेस का कंफ्यूजन, दीपेंद्र हुड्डा ने किया सरकार के फैसले का समर्थन, लेफ्ट नेता विमान बोस बोले जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था ही नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा पीओके और अक्साई चीन भी अखंड भारत का हिस्सा। कश्मीर में डोवल की शांति रिपोर्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, गुलाम नबी आजाद ने कहा पैसे देकर किसी को भी साथ ला सकते हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा गुलाम नबी आजाद के इस इल्जाम का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने हित के लिए करेगा, गुलाम नबी आजाद फौरन माफी मांगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से की बात, गृह मंत्री बनने के बाद शाह की किसी विदेशी नेता के साथ थी पहली मुलाकात। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। संसद का बजट सत्र कल खत्म हो गया, लोकसभा के बाद राज्यसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए किया गया स्थगित, नायडू ने राज्यसभा के इस सत्र को पिछले 11 सालों का सबसे अच्छा सत्र बताया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अस्थियां हापुड़ में की गई विसर्जित, बेटी बांसुरी स्वराज ने किया अस्थियों का विसर्जन। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत सिंह के साथ साइबर ठगी, 23 लाख की ठगी का मामला। शताब्दी राजधानी और दुरंतो ट्रेनों में खाना जल्द ही हो सकता है 40 रुपए तक महंगा, IRCTC ने रेलवे बोर्ड से मांगी अनुमति, कई बार यात्री इन ट्रेनों में खराब खाने की कर चुके हैं शिकायत। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां तेज, एक दो दिन में हो सकती है घोषणा, सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सीनियर नेताओं से की चर्चा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में CMHO घूस लेते गिरफ्तार, बिल पास करने के एवज में मांगे 4,000 रुपए, पैसे लेते ACB ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बांसुर मोड़ पर आपस में भिड़े तीन ट्रक, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा, हादसे में कोई हताहत नहीं, लगा लंबा जाम। उत्तर प्रदेश के मदरसों में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एडवाइजरी जारी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने के निर्देश। BSP ने पार्टी में बड़े बदलाव करते हुए कई पदाधिकारी बदले, मुनकात अली अब UP के नए प्रदेश अध्यक्ष, RS कुशवाहा राष्ट्रीय महासचिव, गिरीश चंद्र जाटव पहले की ही तरह चीफ व्हिप बने रहेंगे। नीदरलैंड के राजदूत मार्टिन वेंडेनबर्ग ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच कृषि और उससे जुड़े उद्योगों ऊर्जा में सहयोग पर हुई बातचीत। बिहार के किशनगंज में मॉब लिंचिंग, अवैध संबंधों के आरोप में उत्तेजित भीड़ ने प्रेमी प्रेमिका की जमकर की धुनाई, घायल अवस्था में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के दानापुर में पेट में कैंची छोड़ने से महिला की मौत, हंगामा कर रहे परिजनों ने दरोगा को पीटा। बिहार के बिहटा में भीड़ ने दो लोगों को बच्चा चोरी के आरोप में पीटा, पुलिस ने दोनों लोगों को भीड़ से बचाया, निजी अस्पताल में कराया भर्ती। बिहार के बाघा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की हत्या कर फेंका गया, आरोपियों ने उसे तेजाब से बुरी तरह जला डाला था, दो दिन बाद गांव के ही गन्ने के खेत में मिला युवती का शव। मध्य प्रदेश के पूर्व CM बाबूलाल गौर की तबीयत अचानक बिगड़ी, एक निजी अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों के मुताबिक निमोनिया और गले के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं बाबूलाल गौर। छत्तीसगढ़ में आज से पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, प्रदेश सरकार ने वैट की दर पर दी गई रियायत को खत्म किया, MP महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों की तुलना में कम कीमत पर मिलेगा। रायपुर के एक्सप्रेसवे की सड़क बारिश में धस गई, बारिश के दौरान सड़क पर जा रही कार हवा में उछलकर 100 मीटर दूर पलट गई। ओडिशा में बारिश का कहर जारी, जनजीवन प्रभावित, गजपति जिले में सड़कों पर 3 फीट तक भरा पानी, करीब 600 से ज्यादा लोगों को बाढ़ से निकाला गया। ओडिशा के कालाहांडी में हाथी नदी उफान पर,
नदी का पानी आसपास बसे गांव में घुसा। मलकानगिरी में बाढ़ की वजह से सड़क का एक हिस्सा बहने से गांव का शहरों से संपर्क कटा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। एमपी के कई शहरों में बाढ़ से हाल बेहाल। टूट गया छत्तीसगढ़ ओडिशा का रेल संपर्क। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सहित कई जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित। करीब 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। महाबलेश्वर ने लगातार दूसरे साल बारिश के मामले में चेरापूंजी को पीछे छोड़ा। जून से 6 अगस्त तक रिकॉर्ड के मुताबिक महाबलेश्वर में 5,755 मिलीमीटर बारिश हुई। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से कोल्हापुर, पुणे और सांगली में बाढ़ के हालात। स्कूल कॉलेज बंद। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। मुंबई में बाढ़ की वजह से बढ़े सब्जियों के दाम। नाशिक और पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण सब्जियों के आयात में आई भारी कमी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अधिकांश जगहों पर भारी बारिश की जताई आशंका। कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश से आई बाढ़ से नावलगुंदा तालुका शिरकौल गांव के खेतों में कई लोग फंसे। फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। नहीं रही बांधवगढ़ नेशनल पार्क को गुलजार करने वाली बाघिन। T23 बाघिन ने जन्मे थे 9 शावक। बीते 15 दिनों में हुई 4 बाघों की मौत। पटियाला के 27 साल के रवि धीमान ने कबाड़ लोहे से बनाए गाड़ियों के मॉडल। मॉडल की प्रदर्शनी लगाई। 8 गैलरी खोलना चाहते हैं। मीटू के आरोपी और फिल्म मेकर लवरंजन की फिल्म में दीपिका पादुकोण ने काम करने से किया इनकार। एक महिला ने लवरंजन पर कथित तौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का लगाया था आरोप। बेटे तैमूर को क्रिकेटर बनाना चाहती हैं करीना कपूर खान। एक डांस रियलिटी शो के दौरान जताई अपनी इच्छा। इस शो में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव भी पहुंचे थे। 1982 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक में काम करने से अजय देवगन ने किया इनकार। कहा रीमेक में अपने रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ऋतिक के काम करने की खबर। कैटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू में अक्षय की जमकर तारीफ। 9 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर अक्षय कुमार के साथ वापसी करने जा रही है कैटरीना कैफ। डोनाल्ड ट्रंप करेंगे कैलिफोर्निया पर मुकदमा। टैक्स रिटर्न कानून से जुड़ा है मामला। हिंदू कुश रीजन में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में काबुल से 243 किलोमीटर उत्तर में रहा। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती बम धमाके में 14 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। धमाके की जिम्मेदारी तालिबान ने ली। पेरू के अमेजन के जंगलों में लगी हुई है भीषण आग। प्राचीन कुए लैब के खंडहरों को खतरा। सैकड़ों की तादाद में फायर फाइटर इस आग पर काबू पाने के लिए जूझ रहे हैं। हांगकांग में चीन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने यहां के स्पेस म्यूजियम के पास प्रदर्शन किया। अमेरिका में बढ़ती फायरिंग की वारदातों के बाद से है दहशत। बाइक की आवाज को फायरिंग की आवाज समझकर लोग छिपने लगे। हाल ही में हुई फायरिंग की 2 बड़ी घटनाओं में 29 लोगों की मौत हुई। न्यूयॉर्क में 4 चरणों की ड्रोन रेस का आयोजन। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहे हैं ड्रोन। खास तरह की लगाई गई है LED लाइट। नोएडा के 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने जीता गोल्फ में पदक। 14 साल के अर्जुन ने तीसरी बार जीता वर्ल्ड जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू। T20 सीरीज 3-0 से जीतने के बाद टीम इंडिया यहां भी इस प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी।